शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 6 जून 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए। और सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और अमावस्या तिथि 6:07 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा का गोचर रोहिणी नक्षत्र में 8:16 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद मृक्षिरा में चंद्रमा का गोचर होगा। धृती योग का निर्माण 10:09 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद शूल योग का निर्माण होगा। चंद्रमा का गोचर कल वृषभ राशि में पूरे दिन रहने वाला। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। परिवार में आज का दिन हालांकि सामान्य रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध जो रहेंगे वो मधुर रहेंगे और कार्य व्यवसाय में किसी जो रुकावटें चल रही थी वो रुकावटें खत्म होगी, जिसके कारण पूर्ण सफलता मिलेगी। धन के खर्च पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और विद्यार्थी वर्गों के लिए विद्या अर्जन के लिए आज का दिन अच्छा है। शुभ अंक 7 और शुभ रंग आसमानी बन रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 85% तक मुझे फिर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और उपाय के लिए ब्राह्मण को अगर आप कुछ दान दे देते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जो लोग थायराइड से लोग परेशान हैं ऐसे वृषभ लग्न वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मान पद और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध रहेंगे वो मधुर बनेंगे। कार्य और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत कल करनी पड़ सकती है। धन की स्थिति में कुछ रुकावटों के बाद सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है और जीवन साथी के साथ कहा जाए तो थोड़ा मतभेद रह सकता है। शुभ अंक 4 और शुभ रंग नारंगी बनकर आ रहा है। कल कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 77% का आपके फेवर में रहेगा और कल के दिन आपको भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। 5 प्रकार के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को अगर आप खिलाते हैं तो कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। धन की स्थिति हालांकि सामान्य रहेगी। कार्य क्षेत्र में अशुभ समाचार मिलने की संभावना है। विद्यार्थी वर्गों को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव हो सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए दिन जो रहने वाला है वो शुभ नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग जो है वो हरा बनकर आ रहा है और कल का दिन 74% तक आपके लिए अच्छा है। माता सरस्वती की अगर आप आराधना करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादशाक्षर मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु संतान के स्वास्थ्य के कारण आपको भी चिंता होगी। परिवार में खुशियों का वातावरण हालांकि ओवरऑल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और कार्य क्षेत्र में से संबंधित यात्राएं भी कल के दिन हो सकती है। धन के क्षेत्र में आज का दिन आपका सामान्य से अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6 और शुभ रंग सफ़ेद बन रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 71% तक फिर भी आपके लिए अच्छा बन रहा है। उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए और शिवलिंग पर सफ़ेद फूल या सफ़ेद रंग की वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए सिंह लग्न वाले जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में भी अकस्मात कल के दिन गिरावट उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी आपके सेहत के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए कल का दिन अच्छा आपको समय दे सकता है। कार्य व्यवसाय में रुके हुए कार्यों के बाद ही सफलता मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास जो रहेगा थोड़ा बढ़ेगा।
विद्यार्थी वर्गों के लिए दिन शुभ नहीं है, शुभ अंक 9 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 78% तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उपाय के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं, देखिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि एसिडिटी संबंधित थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कार्य व्यवसाय और भूमि वाहन से संबंधित कोई शुभ समाचार की संभावना कल के दिन मिलेगी, इससे आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। खर्च की अधिकता के कारण आप परेशानी मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए कल का दिन शुभ रहने वाला है। शुभ अंक 7 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 74% तक का दिन आपके लिए श्रेष्ठ बनकर आ रहा है। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं, शिव मंदिर जाकर शिव जी की आराधना कर लेते हैं तो आपके लिए समय अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं, देखिए भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट की संभावना है, इससे आप चिंतित हो सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है और जब समय अच्छा हो तो सभी कार्यों को कर लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करने के बाद काम बनेगा। प्रेम प्रसंग में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति कल के दिन उत्पन्न हो सकती है। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग नीला बन रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 70% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उपाय के लिए भगवान गणेश जी को अगर आप मीठा फल अर्पित कर देते हैं और शनि मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करते हैं तो दिन अति उत्तम बीतेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, देखिए दिन ओवरऑल मिश्रित रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के कारण मानसिक तनाव कम होंगे। भूमि वाहन से संबंधित कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। अकस्मात यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा करनी भी चाहिए। मित्र और परिवार के लोगों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। शुभ अंक 6 और शुभ रंग पीला बनकर आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 88% तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। गुरु के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। धनु लग्न की बात करते हैं, देखिए स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देना आवश्यक है। परिवार में खुशियों का माहौल जो है यथावत बना रहेगा। किसी रुके हुए कार्य के सफल होने की पूर्ण संभावना कल दिख रही है। भाग्य का साथ मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ की स्थिति हो सकती है। नए कार्यों के लिए दिन शुभ है इसलिए स्टार्ट कर देना चाहिए। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भाग दौड़ करने की आवश्यकता थोड़ी रहेगी, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए दिन सामान्य रहेगा। शुभ अंक 3 और शुभ रंग जो है गुलाबी बन रहा है। कुल मिलाकर 85% तक का जो दिन है आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। उपाय के लिए गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपका दिन श्रेष्ठ बीतेगा। मकर लग्न की बात करते हैं, देखिए स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। जीवन साथी से पूर्ण संबंध हालांकि आपको मिलेंगे, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देख रहा हूँ। कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में जो दिन रहेगा वो सामान्य रहेगा और अपनी वाणी पर आपको संयमित रखना पड़ेगा, नहीं तो किसी से वाद विवाद हो सकता है। धन के क्षेत्र में आज आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 73% तक अच्छा रहेगा और ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको जाप करना चाहिए और साथ ही गौ माता की कुछ सेवा कर दे तो अत्यंत अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं, स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आज आपके धैर्य में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। प्रेम प्रसंग के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति जो रहेगी सामान्य रहेगी और अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। शुभ अंक 8 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। कुल मिलाकर 75% तक का जो दिन रहेगा वो अच्छा रहने वाला है। उपाय के लिए सूर्य भगवान को अगर आप जल देते हैं और शनि मंदिर में जाकर कुछ दान करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अंतिम लग्न अर्थात मीन लग्न की बात करते हैं,
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्य व्यवसाय के लिए यात्रा करने के योग बन रहे हैं। आज का दिन मकान बेचना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। शुभ अंक 6 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 85% तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और उपाय के लिए आपको विष्णु जी को पीले रंग के पुष्प अर्पित कर देना चाहिए और गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं तो कल का दिन और अच्छा रहेगा।